ऐश्वर्या साहब इसके हीरो हैं, और मैंने इसमें गाना गाया। गाना तो समझ लीजिए ऐसा कि वो एंथम हो, गाने के बोल हैं, कांधे पे भगवा लहरा के बोलो हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय। नाम अपना आपने इतना बड़ा है कि हर दुनिया सी झुका लेती है, और इसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी आदमी को जब कोई परेशानी हो या कहीं तकलीफ हो जाए, एक बार वो गाना बजाएगा तो उसको लगेगा इतना जोश आएगा कि सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ SRK प्रोडक्शन का, म्यूजिक कंपनी का, रौनक साहब का, ऐश्वर्या साहब का, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मुझे इस चीज़ को गाने के लिए मौका दिया है। तो मेरी तमन्ना है कि ये बहुत वर्ल्ड में सुपर डुपर हिट हो। ऐश्वर्या जी, कितनी प्राउड की बात है, कितनी प्रिविलेज की बात है, दलेर पाजी इतने सारे बड़े बड़े गाने गा चुके हैं, और फाइनली देशभक्ति का भी गाना है, एक तरह से धार्मिक गाना भी है, क्या कहना चाहेंगे? कितना पहले आप चैनल के देखने वाले श्रोता को सबसे पहले प्रणाम। और सर ने एक बात कही कि मैंने मौका दिया, ऐसा नहीं, जो जिनके पास ऐसा मौका है कि उस मौके को तलाशने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, हर वो सिंगर बेताब रहता है इनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारे भोजपुरी समाज का सौभाग्य है कि ऐसा लेजेंड आदमी जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा, और इनके बनाए हुए रास्ते पे हम सब चलते हैं। तो उस रास्ते का एक यात्री मैं भी हूँ, जो कि इनको देख कर बड़ा हुआ, इनको सुन के हमने कुछ गाने की कोशिश की, सीखा, हर वक्त सीखा। और आज हमारी मूवी, हमारी नहीं बल्कि भोजपुरी की मूवी है वो, जिसके प्रोड्यूसर रोशन जी हैं, शर्मिला जी हैं, डायरेक्टर हमारे प्रिमांशु जी हैं, ओम झा जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो सारे लोगों ने मिलकर कोशिश की, और हमारी कोशिश में सर का भी एक हिस्सा रहा, और इनका आशीर्वाद रहा, हिस्सा नहीं बल्कि आशीर्वाद रहा। और उस मूवी को इनका आशीर्वाद मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई रोक पाएगा। और गाना ही हम लोगों ने ऐसा चुना सर के लिए कि वो अंधन है कहीं ना दे, हिंदुस्तान की आवाम जहाँ भी है वहाँ वो गाना जरूर बजेगा, क्योंकि उसी के लायक एक हिंदुत्व पे गाना है ये, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। और जहाँ राम शब्द और जहाँ हनुमान शब्द आ गया, वो कहीं ना कहीं उससे बड़ा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता। तो हमारी कोशिश है, और रंग दे बसंती के लिए हमने, क्योंकि उस आवाज़, उस गाने के लिए इनका आवाज़ इतना फिट बैठ रहा था कि हम सब ने यही डिसाइड किया कि नहीं, सर का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो हमारी मूवी का में और 4 चांद लग जाए। फिल्म जो है बहुत लार्ज स्केल पर शूट की जा रही है, अगर थोड़ा सा बताएं एक्सपीरियंस के बारे में, आपका बेटा भी काम कर रहा है फिल्म के अंदर, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है, जो 21 लूज मोशन के बावजूद भी मैंने लगातार 4 दिन फाइट की थी, और मैं वेयर बॉडी फाइट किया था, और मैं 2 टाइम जिम कर रहा था, और मेरी तबीयत उसी के बाद खराब हुई, तो मैं 2 महीने बेड रेस्ट हो गया। अब इतना ज़्यादा सूट किया हमने, एक तो ठंडी थी बहुत ज़्यादा, -8 डिग्री में हम लोगों ने काम किया, जो कि कश्मीर में, और वो भी मुझे लगता 18 से 19 दिन हम लोगों ने काम किया। उसके बाद कट्टू जब हम आए तो गर्मी में आए, तो वहाँ 45 डिग्री गर्मी, और एक तो ठंडी गर्मी, और वो दोनों कैलिब्रेशन वो ज़्यादा बड़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने आजमगढ़ में की, उसके बाद हमने ये गाना जो शूट किया, बहुत सारे सीन और फाइव जो शूट की हम लोगों ने शूट किया आपके अयोध्या में, जो पाजी ने गाना गाया है वो हम लोगों ने अयोध्या में शूट किया, वो हनुमानगढ़ी में। तो कम से कम 60 दिन का शूट हुआ है, और भोजपुरी में 60 दिन शूटिंगें होती है, लेकिन शूटिंग नहीं, ज़्यादा मस्ती होता है, लेकिन हम लोगों ने काम किया 60 दिन, तो वो बहुत बड़ा था। और मुझे लगता है कि भोजपुरी की इससे बड़ी कोई मूवी अभी तक नहीं बनी है, और हो सकता है इसे देखकर और भी बनी, आगे का नहीं पता मुझे, बट इसे देखकर कोई लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी है कि इन्होंने पहलू किया है, इससे पहले हमने संघर्ष 2 को भी किया था बड़े बिग बजट पे, उसके बाद ये सबसे बिग बजट की हो गई। तो कोशिश है हमारी कि हम और बेहतर करें, और अपने भाषा को और ऊपर लेकर, हम नहीं बल्कि हमारी पूरी इंडस्ट्री मिलकर लेकर जाए। आपका बेटा भी है, जैसे मैंने कहा थोड़ा इमोशनल होते हैं इस चीज़ को लेके कि फिल्म के अंदर एक दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मैं इसमें 3 रोल में हूँ, मैं बाप भी हूँ, बेटा भी हूँ, और दादा भी हूँ। तो उसके वजह से मुझे अपने बेटे को इस्तेमाल करना पड़ा कि पोता के रोल में वो आ जाए, और उसने बहुत बेहतर काम किया। तो कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को बेहतर चीज़ों में हम कोशिश करें कि बेहतर चीज़ों का हिस्सा हमारे अपने भी बने, और वो बना, और ईश्वर करे कि उसकी जीवन और लंबी हो, और वो मेरे से भी बेहतर काम करे। पाजी, आपसे जानना चाहूँगा, अब जो है शुरुआत हो गई है, तो लगता है कि ये कोलैबोरेशन दूर तक होने वाला है? बहुत शुरुआत बहुत ही अच्छे नए गाने पे, और जो गाना पूरे देश को जोड़े, भक्तों को जोड़े, और सनातन की बात हो, बहुत बड़ा।
और कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? अगर बस हम यही चाहेंगे कि अब एक अच्छी मूवी भोजपुरी में बनी है तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से आप जितना प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबका अभी सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें, तो बस कोशिश करिए और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए कि अगर बनी है तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसको दें। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस अपना आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला, बस जल्दी इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा गाना होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच।